तो जय श्री महाकाल। मैं रेशु जैन आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमारे छोटे भाई रेशु की टोली के बहुत ही प्यारे मेंबर हिमांशु भाई, जिन्होंने याद हो आपको अभी कुछ साल पहले हमने जयंती माता का भजन लिखा था, मेरी हर री सारी पीठ जयंती माता। उस भजन को गाने वाले हमारे गायक हिमांशु भाई के हम जा रहे हैं छोटी खरवन, जहाँ पर उन्होंने सुंदर कांड का कार्यक्रम रखा गया है। और आइए आप और हम सब मिल के भक्ति के रंग में मिलते जय श्री माता। और हाँ, आपने अगर जयंती माता का भजन नहीं देखा है तो फटाफट जाओ, देर किस बात की, और जल्दी से गाने को देखो, लाइक कमेंट शेयर करो। जय श्री माता। गाइस हम गाड़ी में बैठ गए हैं कि अब आप हम निकल गए और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। गाइस हम छोटी खरगोन पहुंच गए कार्यक्रम में, ऋषभ भाई, राहुल, जय, महावीर जी और मैं, और यह चलो आइए अंदर चलते हैं। वाह, यहाँ पे पूरा कार्यक्रम होगा, बस चल होने वाला कुछ ही देर में। उपस्थित सभी माता जी महाराज के सभी प्रिय भक्तों को मेरी ओर से राम राम धन्यवाद करना चाहूंगा। हिमांशु भाई और पूरे परिवार, अगर हमारे मन में भगवान को लेकर 1% भी श्रद्धा हो तो जरा दोनों हाथ उठाकर आप एक बार जय कर लें। बोले माता जी महाराज की, क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या सभी नाचे क्यों? अरे अब तो अपन ही अपन रह गए, कोई थोड़ी देख लेगा, शर्मा निकले चलो। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन, कृपया आप सभी नाचे। रेशु भैया पीछे बैठे हैं, करई से जो पधारे हैं उनके लिए पर जोरदार ताली, जो अभी तक नहीं गए। घोटा 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 उनी बाबा ने भगिया को घोटा, पीस दे लागे गुलाबी, पीस दे लागे, पीस दे लागे।
रामायण मम हृदय बसी सुर गए नीचे नीचे धाम सिया राम के चरण कमल में जाय बसे हनुमान रामा जाय बसे हनुमान राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट हो रामा प्राण जाएंगे छूट। तो जैसे कि आपने पूरे ब्लॉग में देखा हमारे हिमांशु भाई जो है अपनी रेसु की टोली के मेन सदस्य और अपनी मोहब्बत भी है, तो इन्होंने आज सुंदरकांड करा। तो आज इनसे पूछते हैं इनके मन में क्या सवाल आया जो सुंदरकांड करवाया इनने। तो भैया क्या विचार आए थे जो आपने सुंदरकांड करवाया इतना भव्य और इतना सब जिले के और आसपास के जो कलाकार आए एक ही मंच पर जो बुलाया? देखिए नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणासनम, रामायण में यही है कि भगवान का आप नाम हमेशा जपते रहो। और सबसे बड़े बड़े संतों ने बड़े बड़े दिग्गजों ने भगवान की सिर्फ नाम की ही महिमा बताई है। सुंदर कांड से अपने जीवन के सभी कांड सुंदर होते जाते हैं। हाँ वाह, ये मेरा अनुभव सुंदर कांड से है, इसीलिए मैंने आज सुंदर कांड अपने घर रखवाया। और जय श्री राम। और आपको एक बात बता दूं भाई साहब, जैसे नाम जो है वो तो ठीक है, परंतु जब ये गाना गाते हैं तो भाई साहब माहौल बना देते हैं। और इन्होंने अपना गाना एक गाया ही है, एक गाना हुआ भी बहुत जल्दी आने वाला है, एक भजन वाला आएगा भोलेनाथ का। तो अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं न्यू बुढ़ाव में माता पिता के।